हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका हमारा रिवीजन चल रहा था। चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन हम कर चुके हैं, माय फैमिली, और चैप्टर टू का भी फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हो रिवीजन का, जिसमें आपको मैंने ये चैप्टर अच्छे से समझा दिया था। फिर से एक बार, एक्सटेंडेड फैमिली यानी वो फैमिली जो जिसमें हमारे मैटरनल और पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं, चाहे वो हमारे घर में रहे या हमसे दूर रहे। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज ए, बी एंड सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिक एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है और राइट करना है। एन ब्लैंक फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। कौन सी फैमिली में पेरेंट्स और सिबलिंग्स ही होते हैं सिर्फ, जो हमारे साथ रहते हैं हमारी फैमिली में? तो वो है इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट यानी हमारी क्लोज फैमिली, जो सिर्फ अपनी फैमिली है, जिसमें हमारे मम्मी पापा और हमारे भाई बहन हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन टू। मैटरनल रिलेटिव्स मीन ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अवर ब्लैंक साइड फैमिली। मैंने आपको बताया था मदर, मम्मा, मम्मी यानी एम। तो मैटरनल फैमिली किसकी तरफ से होती है? मम्मा की तरफ से, तो हुई मदर्स। समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स नीड अ लिटिल हेल्प टू ब्लैंक द फन। समटाइम यानी कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा, दादी, नाना, नानी, ओल्ड पीपल, नीड यानी ज़रूरत होती है उनको, लिटिल हेल्प यानी छोटी सी हमारी मदद की ज़रूरत होती है, टू ब्लैंक द फन। किसके लिए? मैक्सिमाइज द फन यानी मज़े को बढ़ाने के लिए हमारी यानी बच्चों की ज़रूरत होती है। वी लर्न टू लिव इन पीस एंड हारमोनी एवरीवेयर यानी हर जगह। अ फैमिली शुड सपोर्ट एंड नॉरिश ईच मोमेंट ईच मेंबर ऑफ द ब्लैंक विदाउट जजमेंट। यानी फैमिली को, अपने बच्चों को, फैमिली के सारे मेंबर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उनको नॉरिश करना चाहिए, और कभी उनको जजमेंट नहीं करना चाहिए, ये सही है, वो गलत है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मतलब समझाना चाहिए, लेकिन जज करते करते अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो आंसर है फैमिली। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। देखिए यहाँ ब्लू बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, स्पेशल, कंसल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फीलिंग्स, सेरेमनी, फाइनेंशियल। द एक्सटेंडेड फैमिली हेल्प्स अस विथ ब्लैंक प्रॉब्लम्स। एक्सटेंडेड फैमिली हमारी कैसी प्रॉब्लम में हेल्प करती है? फाइनेंशियल यानी जो पैसों से रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड। The birth of a child and our naming blank are some family occasions. Naming ceremony, ceremony यानी समारोह। We learn to share our blank with our parents. Responsibilities यानी हमारी जिम्मेदारियाँ। Parents blank their family members in decision making. Parents क्या करते हैं? Consult. फैमिली ट्रेडिशंस क्रिएट गुड ब्लैंक एंड ब्लैंक मोमेंट टू रिमेंबर। तो फीलिंग्स एंड स्पेशल। फिर है ट्रू एंड फॉल्स। जो सही है उसमें ट्री और जो रॉन्ग है उसमें फॉल्स। एन इमीडिएट फैमिली इज एन एक्सटेंडेड फैमिली। क्या इमीडिएट फैमिली यानी हमारे पेरेंट्स और भाई बहन वही एक्सटेंडेड फैमिली होती है? तो नो, फॉल्स। एक्सटेंडेड फैमिली तो वो होती है जिसमें हमारे फैमिली के दूर और रिश्तेदार भी होते हैं लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते। स्पेशल फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डेली ओकेज़न। डेली के ओकेज़न के लिए स्पेशल फूड बनता है क्या? नो, फॉल्स। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम अवर फैमिली मेम्बर्स। हमारे फैमिली मेम्बर्स से हम बहुत कुछ सीखते हैं। येस, ट्रू। वी लर्न गुड वैल्यूज़ फ्रॉम अवर फैमिली। हमारी फैमिली से हम गुड वैल्यूज़ सीखते हैं। येस, ट्रू। अ चाइल्ड इज़ टॉट वैल्यूज़ बाय हिज नेबर्स। बच्चा पड़ोसियों से गुड वैल्यूज सीखता है? नो, पड़ोसियों से कुछ नहीं सीखता, अच्छे वैल्यूज फैमिली से सीखते हैं। तो फॉल्स। तो आज आपकी एक्टिविटी हुई ए, बी एंड सी। इसको आपको लर्न करना है। ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू।